नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं 26 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, यूएपीए के तहत दर्ज मामलों पर बड़ा फैसला, और फिर आतंकियों की पूरी तरीके से जो है वो खात्मे की तैयारी। दूसरी बड़ी अपडेट, यूएनएससी में पहली बार रूस के खिलाफ भारत ने की वोटिंग, बताएंगे आखिर किस मुद्दे पर। चौथी, तीसरी बड़ी अपडेट, एलएसी पे भारत और यूएस के मिलिट्री डील से छटपटाया चाइना, देने लगा ज्ञान और शांति वार्ता का पैगाम। चौथी बड़ी अपडेट, ब्रह्मोस मिसाइल हादसे पर फिर सामने आया पाक, 3 इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों की बर्खास्तगी को बताया नाकाफी। चौथी बड़ी अपडेट, अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में गोरखा भर्ती रहेगा जारी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां जम्मू कश्मीर में चुनावी और सुरक्षा पर ये बड़ी बैठक हमने आपको बताया, इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पाकिस्तान सेना के मेजर ने ट्रेनिंग दी, कर्नल ने 30,000 रुपये देकर भेजा, एलएसी पर घुसपैठ करने वाले आतंकी ने किया खुलासा। सब कुछ खबरें बताएंगे। जहां भारत जापान के बीच अगले महीने हो सकती है 2+2 वार्ता, टोक्यो जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा समय देंगे, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अधिकारी सुरक्षा अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक, चुनाव जम्मू कश्मीर में चुनाव और सुरक्षा पर बैठक गृहमंत्री अमित शाह ने की है, जहां पे यूएपीए के तहत दर्ज मामलों पर भी बड़ा फैसला किया है। देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक जम्मू कश्मीर के सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक की है। इस दौरान आतंकवाद रोधी कानून यानी यूएपीए के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा कर इसकी जांच में तेजी लाने और आतंकवाद के इको सिस्टम को ध्वस्त करने के कई बड़े फैसले किए गए हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जो है वो मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में निर्णय किया गया है कि पिछले 3 साल के दौरान यूपीए के तहत दर्ज किए गए मामलों की समीक्षा होगी। इस कानून के तहत उन लोगों का मामला उनके लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। समीक्षा करने के बाद इन मामलों की जाँच के तेज गति से पूरा कर अंजाम तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने क्षेत्र में इस साल अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा एजेंसियों के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रयासों को भी सराहना की और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर के विजन को पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों और पुलिस को सीमा वायलोसी के अभेद बनाने का प्रयास जारी रखना चाहिए। अभी एक और अपडेट निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर के, हमने आपको बताई बैठक की। अगली एक और अपडेट, यूएनएससी में पहली बार रूस के खिलाफ जो है वो मतदान किया गया है, यूएनएससी में यूक्रेन के समर्थन में वोट डाल दिया गया है। अगली, दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में यूक्रेन पर एक प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान रूस के खिलाफ बुधवार को पहली बार मतदान किया। पिछले 6 महीनों से भी ज़्यादा समय से यूक्रेन में युद्ध जारी रहा। युद्ध के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र में कई बार रूस के खिलाफ मतदान हुआ, हालांकि ये पहली बार है जब भारत ने रूस के खिलाफ मतदान में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस दौरान वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया। रूस की सेना ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था और इसके बाद से यूक्रेन ने ये बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश रूस के कड़े आर्थिक एवं प्रतिबंध लगाए गए थे। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की निंदा की नहीं की है। नई दिल्ली ने यूक्रेन रूस के से कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से लौटी बातचीत की अपील की है, लेकिन भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ जिस तरीके से ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर दिया गया, तो ये सुरक्षा परिषद में बड़ा फैसला भारत ने लिया। एक और अपडेट, एलएसी पर भारत और यूएस के मिलिट्री डील से छटपटाया चाइना, देने लगा शांति का पैगाम।
चाइना सटी सीमा मात्र 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में अक्टूबर में होने वाली भारत और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल की खबर से चाइना की सांस फूलने लगी है। चाइना पूरी तरीके से तिलमिलाने लगा है। इतना ही नहीं, चाइना अब भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को लेकर चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ऐसा करना सीमा विवाद के द्विपक्षीय मामले में दखल देने जैसा है। चीन ने कहा है कि अगर LAC पर किसी भी तरीके की मिलिट्री ड्रिल की गई तो वो भारत और बीजिंग के बीच हुए समझौते का उल्लंघन होगा। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक दोनों देशों की सीमा पर कोई मिलिट्री ड्रिल नहीं की जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से भारत ने अमेरिका के साथ ये मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान किया, इसके बाद से चाइना जो है वो छटपटा रहा है। चाइना की हालत ख़राब हो चुकी है। चाइना रो रहा है, शांति की बात कर रहा है, कह रहा है कि शांति रखो तो सब कुछ ठीक होगा। तो शांति की बात चाइना के मुंह से फ़िलहाल जो है वो अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन चाइना की मजबूरी हो गई है शांति की बात कर रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां ब्रह्मोस मिसाइल हादसे फिर से आया सामने। पाकिस्तान का बयान, 3 इंडियन एयरफोर्स अधिकारियों की बर्खास्तगी को बताया नाकाफी। पाकिस्तान ने 9 मार्च को दुर्घटनावश मिसाइल के दागे जाने और उनके पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने की घटना पर भारत की कार्रवाई को पूरी तरीके से असंतोषजनक और अधूरी और अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया। अब इस मामले में संयुक्त जांच की मांग की गई। पाकिस्तान में दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल गिरने की घटना की उच्चस्तरीय जाँच में जिम्मेदार पाए गए भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को 23 अगस्त को बर्खास्त कर दिया गया था। भारत के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की इस घटना की जांच में पाया गया कि 3 अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में गोरखा भर्ती रहेगी जारी। विदेश मंत्रालय का आया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें, भारत ने गुरुवार को दोहराया है कि वो अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती जारी रखेगा। एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में ये बातें कही विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि हम लंबे समय से भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती कर रहे हैं और हम अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती जारी रखने के लिए तत्पर हैं। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत आगे भी जारी रहेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को भारतीय युवाओं के लिए अग्निपथ नामक सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं में सेवा देने के लिए की। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है, असम में चल रहा आतंकवाद का बड़ा खेल, बांग्लादेश से जुड़े तार, सरकार ने कसा शिकंजा। असम में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो आतंकी संगठन के साथ संपर्क में थे और कट्टरपंथ फैलाने में जुटे थे। हाल ही में आतंकियों से संपर्क रखने वाले 2 इमामों की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने शिकंजा भी कसा। बाहरी राज्यों से आने वाले इमामों के लिए SOP भी जारी की गई। अब उन्हें राज्य में आने से पहले अपनी जानकारी एक पोर्टल पर देनी होगी। इसी बीच असम के DGP ने कहा है कि राज्य में कट्टरपंथ से लड़ने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक 34 लोग गिरफ्तार किया गया है। एक और अपडेट, पाकिस्तान सेना के मेजर ने ट्रेनिंग दी, कर्नल ने 30,000 रुपये देकर भेजा। LOC पर पकड़े गए आतंकवादी का खुलासा। घुसपैठ करने की कोशिश में जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी ने कई बड़े खुलासे किए। उसने बताया है कि उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कर्नल ने 30,000 रुपये दिए थे और उसे भारत में आत्मघाती हमला करने के लिए भेजा गया था। आतंकी ने बताया है कि फिलहाल भारतीय सेना की पोस्ट पर हमला करने के लिए भारत आया था। जिस आतंकी को भारतीय सेना ने पकड़ा है उसका नाम तबरक हुसैन है। हुसैन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के कोटली में सब्जकोट गांव का रहने वाला है। हुसैन को रविवार को नौशेरा सेक्टर में पकड़ा गया था। उसे 2 गोलियां भी लगी थी और उसकी हालत नाजुक थी। उसकी जान बचाने के लिए भारतीय सेना ने के जवानों ने 3 बोतल खून दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, भारत जापान के बीच अगले महीने हो सकती है 2+2 वार्ता, टोक्यो जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत और जापान के बीच जल्द ही 2+2 वार्ता होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वार्ता टोक्यो में आयोजित होगी। वार्ता में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर अगले महीने टोक्यो जाएंगे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि फिलहाल दोनों पक्षों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया है कि 2+2 वार्ता 8 सितंबर को आयोजित करने की योजना है।
आपको बता दें, ये संवाद जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली की यात्रा पर आने के 5 महीने बाद होने जा रहा है। नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन में किशिदा ने अगले 5 सालों के दौरान 5,000 अरब येन यानी 3,20,00,000 रुपए निवेश की घोषणा की। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जहां नहीं मान रहा पाकिस्तान, 72 घंटे में 3 बार आतंकी घुसपैठ की कोशिश सेना ने नाकाम की। दरअसल सेना ने बुधवार को कहा है कि जम्मू में शांति भंग करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सेना ने के मुताबिक रजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पे 72 घंटे में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की 3 कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। सेना के 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर कपिल राणा ने कहा है कि झांगर और लाम इलाकों में 31 और 22 अगस्त को घुसपैठ की लगातार 2 कोशिशें की गई। इनमें 2 आतंकवादी मारे गए और 1 आतंकियों के कुख्यात मार्गदर्शक गाइड को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अखनूर सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ब्रिगेडियर के मुताबिक इस गाइड को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नेतृत्व करके सौंपा गया था। तो लगातार पाकिस्तान का जो घुसपैठ वाला चेहरा है वो जारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करने से बाज नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान का जो है वो एक तरीके से घुसपैठिया पकड़ा गया, और उसने कई खुलासे भी किए, जिसमें बड़े पैमाने पर उसने खुलासा भी किया। उसके बावजूद भी ये चेहरा जो है अपने आप में देखने को मिल रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। जहां चीन में 10 लाख उइगर मुस्लिमों के दमन का सबसे बड़ा खुलासा करेगा संयुक्त राष्ट्र, कसेगा शिकंजा। दरअसल चीन की शिनजियांग प्रांत में 10 लाख उइगर मुस्लिमों पर हत्याचार की पोल खुल सकती है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक दल की समिति ने 4 साल पहले दुनिया में इस पर ध्यान देने के लिए कहा था। चीन के शिनजियांग प्रांत में 10 लाख उइगर मुस्लिमों को री एजुकेशन और समझाने के नाम पर अवैध कैंपों को रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसके विश्वसनीय रिपोर्ट मौजूद हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए कुछ खास नहीं किया। चीन में कई बार अपील की गई और वो शिनजियांग में स्वतंत्र जाँच की अनुमति दे, लेकिन बीजिंग ने इससे साफ इनकार कर दिया। हम चलते हैं और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां पंजाब में PM की सुरक्षा में चूक मामले में SC ने कहा समिति ने SSP को दोषी पाया है। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र को भेजेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति ने फिरोजपुर के SSP को जरूरी कार्रवाई करने में विफल रहने का दोषी पाया है। PM मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक मामले में गठित समिति ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। इस समिति की रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना की बेंच ने कहा है कि वो रिपोर्ट को सरकार के लिए भेज रहे हैं, सरकार इस पर एक्शन ले सकती है। अगले एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, झांसी में 5 दिन से बेतवा नदी में 4 युवक एयरलिफ्ट, सेना के जवानों ने किया है ये पूरा का पूरा कारनामा। एक और अपडेट, चीन को धूल चटाने के लिए ताइवान तैयार, रक्षा बेड़े में शामिल होंगे घातक लड़ाकू विमान और हथियार। दोस्तों दरअसल चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए ताइवान ने बड़ा कदम उठाया, और ताइवान ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए घातक लड़ाकू विमान और बड़े हथियार समेत अन्य उपकरण अपने बेड़े में शामिल करने की ओर कदम बढ़ाया है। ताइवान ने गुरुवार को अपनी सुरक्षा और अन्य मजबूत करने के लिए अगले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और $13 अरब खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां बिग ब्रेकिंग, 72 घंटे में दूसरी बार गिरफ्तार हुए BJP नेता टी राजा सिंह वजह पैगंबर साहब पर टिप्पणी। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना में एक बार फिर से जो है वो टी राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से टी राजा साहब ने सीधा सीधा असदुद्दीन ओवैसी पे हमला बोला। ओवैसी पे हमला बोलते उन्होंने कहा कि सब कुछ पूरी की पूरी साजिश ओवैसी की है, ओवैसी ने ही पूरी तरीके से गिरफ्तार करवाया है, और ओवैसी जो है वो एक तरीके से 90 लोगों को छुड़वा लिया जो हिंदुओं को मारने काटने और उनके लिए पूरी तरीके से मंदिरों को तोड़ने जैसे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो ये सारे काम कर रहे थे उनको छोड़ दिया गया और हमें जो है वो पकड़ लिया गया है। इस बीच आपको बता दें, ये बड़ा बयान दिया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट, INS विक्रांत के लिए 26 लड़ाकू विमान खरीदी की नौसेना, बोइंग ने दिया सुपर हॉर्नेट का ऑफर।
भारतीय सेना लगातार सशक्त हो रही है। इसी क्रम में स्वदेशी विमानवाहक योद्धा पोत INS विक्रांत को अगले महीने नौसेना में शामिल किया जाएगा। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नौसेना को सौंप सकते हैं। INS विक्रांत के लिए नौसेना 26 लड़ाकू विमान की खरीद भी करेगी। इसी बीच अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग ने बुधवार को भारत के विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए डेक आधारित लड़ाकू विमानों की भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म बताया है। बोइंग के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को चुना जाता है, तो कंपनी का पूर्वानुमान है कि अगले 10 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र और रक्षा उद्योग में $3.6 अरब का आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो एक तरीके से बातें हम चलते हैं और अपडेट आखिरकार 15 दिन बाद होश में आ गए अपने राजू श्रीवास्तव। आंखें खोलती पत्नी से कही 4 शब्द। दरअसल दोस्तों, राजू श्रीवास्तव की फैमिली और फैंस के चेहरे खुशी से खिल उठे। बात हो रही है ऐसी जहाँ आखिर 15 दिनों के बाद कॉमेडी किंग राजू को होश आ गया। राजू श्रीवास्तव के होश आने की खबर सामने आने के बाद फैंस और स्लैब्स भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजू श्रीवास्तव ने अपने होश में आने के बाद सबसे पहले किससे बात की और क्या कहा? राजू श्रीवास्तव संग रूम शेयर कर चुके और उनके खास दोस्त अशोक मिश्रा ने कॉमेडियन की हेल्थ के बारे में खास जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कल रात हम सभी कॉमेडियन दोस्त अंधेरी में एक साथ बैठे हुए थे। देर रात तक राजू श्रीवास्तव की हालत को लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित भी थे और रात 2 बजे तक कल सभी प्रार्थना ही कर रहे थे कि हमारे भाई जल्द ठीक हो जाएं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है जहां हैदराबाद दंगों के बीच जो है वो असदुद्दीन ओवैसी बोले कि हम